फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दो मल्टीफंक्शन वायर स्ट्रिपर जो कि आते हैं काइविट्स कंपनी की साइड से, जिनका मॉडल नंबर मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर पैनल बिल्डर हैं या फिर आप एक वायरमैन हैं तो आपके लिए ये दोनों टूल बहुत ही बेस्ट टूल होने वाले हैं। हम एक एक करके इनका रिव्यू देखने वाले हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या इनके फंक्शन हैं, वो सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वायर स्ट्रिपर के बारे में जानेंगे, तो इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। और जो इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं KSW-102। ये एक मल्टीफंक्शन वायर स्ट्रिपर है जो कि काइविट्स कंपनी की साइड से आता है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चार इमेज बना रखी है जो कि हम आपको यहाँ पे यूज करके भी दिखा देंगे। इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो इसके साथ में आपको 6 KRM तक की वायर को कट कर सकते हैं और छील सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही काफ़ी बढ़िया दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऐसी जो बिल्ड क्वालिटी है वायर स्ट्रिपर की नहीं देखी है अभी तक। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इस वायर स्ट्रिपर के फंक्शंस बता देता हूं, उसके बाद हम इसको यूज़ करके भी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका जो कटर दिया गया है यहां पे आप देख सकते हैं, ऊपर की साइड में इसका कटर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही शार्प कटर दिया गया है। अगर आप इसके नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको वायर छीलने के लिए सांचे बना रखे हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, MM में अगर वायर है तो इसका जो साइज है वायर का 2.6, यानी कि 2.5 KRM की वायर तक को आप इसके साथ में छील सकते हैं। अभी हम इसको यूज करना देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग वायर के सैंपल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास 1 mm की वायर, ठीक है। इस वायर को बहुत ही स्मूथली ये काट देगा, जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही आराम से कट कर रहा है। अगर आप एक पैनल बिल्डर हैं, वायरमैन हैं, तो आपके लिए ये वायर स्ट्रिपर बहुत ही यूज़फुल है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको छीलना है तो 0.8 mm की वायर है तो यहाँ पे आप छील सकते हैं, 1 mm की वायर है तो आप सेकंड नंबर पे छील सकते हैं। इस तरह से आगे की साइड में आप स्केल को देख कर वायर को छील सकते हैं। जैसे कि हमारी जो वायर है वो 1 KRM की है तो हम यहाँ पर लगाएंगे और पूरा दबा देंगे इसको और खींच देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, इसने बहुत ही स्मूथली इस वायर को छील दिया है बिना कोई कंडक्टर के कटे हुए। अगर आपको इसके साथ में 1.5 mm की वायर को कट करना है तो वो भी देख सकते हैं आप, बहुत ही आराम से कट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत ही शार्प इसका कटर दिया गया है। अगर आपको इसको छीलना है तो आप इसको 1.5 में लगाइए और इसको छील सकते हैं, कितना भी लंबा आप इसको छील सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे इसका दिखाऊं, जो स्केल है वो 2.5 mm का है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 2.5 mm की जो वायर है इसको हम छील के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम इसको कट करके भी दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही स्मूथली ये कट कर रही है। अभी हम लास्ट वाले सांचे के अंदर इसको छीलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से इसने ये छील दिया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। हम इसको कट कर लेते हैं और आगे से फिर दोबारा से छील के दिखाते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वायर स्ट्रिपर का यूज कर सकते हैं और इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये दोनों टूल खरीदने हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि ऑफर लिंक होगा आपके लिए। आप वहां से खरीदते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर देखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे वाले टूल की साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एक मल्टीफंक्शनल वायर स्ट्रिपर जो कि बहुत ही पावरफुल, और बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी दी गई है, ठीक है। इसको भी कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, वो सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। अगर आपको वायर छीलनी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सांचा बना हुआ है, यहाँ पे आप वायर लगाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये वायर पकड़ कर लेगा और इसको इस तरह से प्रेस कर लेगा तो ये निकल जाएगी। अगर आपको वायर को लूज़ पकड़ना है तो आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा नेगेटिव की साइड पे करेंगे तो ये लूज़ पकड़ेगा, अगर प्लस की साइड में करेंगे तो ये टाइट पकड़ के रखेगा वायर को, ठीक है। और इसका जो ये ग्लास टाइप एक बना हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक स्केल टाइप है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वायर छीलनी है, मान लीजिए आपको छोटी वायर छीलनी है, तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे, आगे की साइड में टक्कर में लग जाएगा ये। अगर आपको लंबी वायर छीलनी है तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से हटा देना है और कितनी भी लंबी वायर इसके अंदर आप लगा के वायर को छील सकते हैं,
ठीक है, मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसके फंक्शंस दिखा देता हूं। यहां पे हैवी क्वालिटी के स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, एक यहां पे है और एक इसके अंदर की साइड में है, यहां पे देख सकते हैं, जो कि इसको रिटर्न आने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और फ्रेंड्स वायर कटर यहाँ पे एक दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ भी है वायर कटर। अगर आपको वायर कट करनी है तो यहाँ पे इसके बीच में आप वायर को देके कट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़ करके। बहुत ही स्मूथली वायर कट करता है ये देख सकते हैं, वायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये मल्टी फंक्शनल क्यों है। अगर आपको लग वगैरह करने हैं, थिम्बल वगैरह करने हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ थिम्बल्स, ये देख सकते हैं ये थिम्बल्स वगैरह हैं, अगर ये भी करने हैं वायर के अंदर, तो आप यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे तो क्रिम्पिंग टूल भी बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये क्रिम्पिंग टूल बना हुआ है, और ये अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल बना हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा फंक्शंस मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं आपको एक एक इसको यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस कटर का यूज करके। तो कटर का वैसे तो मैंने यूज करके दिखा भी दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 6 KRA की वायर तक को कट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो वायर है वो 6 KRA की है, तो इस वायर को हम यहाँ पे रखेंगे और बहुत ही स्मूथली ये कट कर देता है, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पीस कर दिए हैं इसने, ठीक है, देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर ये वायर छीलने वाला एक टूल दिया गया है, इसके अंदर भी हम वायर को छील सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो वो हमारी 1.5 KRA की केबल है उसको छील कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास टाइप को इसको लेवल को रख लिया है, मान लीजिए हमें थिम्बल वगैरह करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस लेवल पे रख लेंगे, ठीक है। और इस लेवल पे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेस करना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना स्मूथली इसने वायर को छील दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हमें इसको लंबा छीलना है तो हम क्या करेंगे, इस ग्लास को इधर से रिमूव कर देंगे और इसको जो वायर को है लंबा भी छील सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से फिर दोबारा से कट कर देते हैं। अगर हमें फ्रेंड्स 4 KRA की वायर को छीलना है, क्या हम इसके साथ में 4 KRA की वायर को छील सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है ये 4 KRA की वायर, तो इसको भी हम लंबा छील के दिखाते हैं आपको। कुछ भी नहीं करना होता फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना है, इसके अंदर रख के प्रेस करना है, ठीक है। अगर आपको लग करने हैं तो आपको क्या करना है, ये ग्लास लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना वायर हमें छीलना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं एक बार, मान लीजिए हमें छोटा सा लग करना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इतना कर लेंगे, देख सकते हैं बड़े आराम से इसने इस वायर को छील दिया है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे 6 KRA की वायर को छीलना हो तो क्या ये छील देगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 MM की वायर को लगाएंगे, थोड़ा इसको लंबा रख लेंगे और ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसने वायर को छील दिया है, 1 सेकेंड नहीं लगता, उससे पहले ये छील के रख देता है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा लंबा छीलना है तो हम इसको इस तरह से फंसाएंगे और इसको देख सकते हैं ये छील दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसने छील दिया है। अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या ये क्रिम्पिंग टूल इसका काम सही अच्छे से करेगा या नहीं करेगा। लग करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंसुलेशन क्रिम्पिंग। अगर आपके थिम्बल 0.5 से लेके 6 KRA में इंसुलेटेड टाइप है, यानी कि उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो आप 0.5 से लेके 6 KRA वाले यूज कर सकते हैं। अगर आपके थिम्बल विदाउट इंसुलेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट इंसुलेशन है ये, अगर ये वाले थिम्बल हैं तो आप इनको 4 KRA से लेके 6 KRA के थिम्बल को ही यूज कर सकते हैं, उसी थिम्बल को ये क्रिम्प करके करने वाला है। तो हम एक जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पे थिम्बल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक 2.5 KRA की केबल है, इसको हम छील लेते हैं यहाँ पे थिम्बल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2.5 KRA का एक थिम्बल है, इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं, पिन टाइप इनसे ये लग है, क्या इसको ये कर देगा या नहीं करेगा। सबसे छोटे वाले पॉइंट के हम इसके अंदर रखते हैं और यहाँ पे इसको क्रिम्प कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको ये। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स
इसने ये अच्छे से क्रैम्प तो कर दिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम 4 से लेकर 6 कैरम वाले को ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इसके फंक्शन, फीचर, कैसे इसको यूज करना है, कहाँ से इसको परचेज करना है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, सब कुछ हमने इसकी जानकारी दे दी है। सबसे पहले हमने इस वायर स्टिपर के बारे में बताया, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और उससे भी बढ़िया है फ्रेंड्स ये वाला जो क्रिम्पिंग टूल है और वायर स्टिपर है, जो कि मल्टी फंक्शनल है। इसके साथ में आप वायर कट भी कर सकते हैं, वायर छील भी सकते हैं, और थिम्बल लग वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट खरीदने हैं तो इनका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इनको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये मल्टी फंक्शनल वायर स्टिपर आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।